को, मेरा नाम सैफ जाना हूं दे, और मैं आज आपके साथ शामिल हूं 5 पॉइंट राइटिंग के बताने के लिए। मैं आपने लास्ट शो के अंदर बताया था 4 पॉइंट लाइट्स के लिए, 4 पॉइंट लाइट्स अब मैं आपको बताऊंगा 5 पॉइंट राइटिंग के लिए। 5 पॉइंट राइटिंग के लिए आपको 5 लाइट्स चाहिए होंगी, किकर, पिन लाइट, बैक लाइट, की लाइट और एक आपके सर के ऊपर चाहिएगी हेयर लाइट। इस तरह की लाइट्स के लिए आपको एक पिन लाइट चाहिए होगी अपने सामने, एक यहाँ पे आपको की लाइट चाहिए होगी, पिन लाइट थोड़ी सी पीछे होगी और उसकी इंटेंसिटी भी लो होगी। जो की लाइट है वो आपकी सामने होगी, फेस के ऊपर होगी और उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी हाई होगी। जो पिन लाइट है वो आपको मैंने लास्ट शो में बताया था कि वो आपको वाइड एंगल देगी और आपके पूरे जो स्टेज है उसको कवर करेगी। इस तरह जो बैक पे आपकी जो दो लाइट्स होंगी, एक किकर और एक बैक लाइट, किकर को भी बैक लाइट ही कहा जाता है लेकिन क्योंकि एक बैक लाइट होती है तो इसलिए दूसरी वाली को हम किकर कहते हैं। जो किकर और बैक लाइट है उनकी भी इंटेंसिटी थोड़ी सी लो करके, उनका थोड़ा सा पीछे करके और उनको वाइड एंगल में कर दिया जाता है ताकि वो एक पूरे आपके आगे आने वाले शेडोज को भी कवर कर सकें। जो आपके सामने होती है लाइट, जो आपके बालों पे पड़ रही होती है और जो आपके यहाँ तक पड़ रही होती है फोरहेड तक, वो लाइट और बैक को आपको वो कवर देती है, तो वो उस लाइट को हम हेयर लाइट कहते हैं। हेयर की अक्सर लोग उसको हेयर लाइट को यूज करते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए भी, लेकिन अगर आप हेयर को यूज नहीं करें तो वो आपकी बैकग्राउंड लाइट बन जाती है, जिसकी वजह से आपका एक बैकग्राउंड जो है वो उसके ऊपर पड़ने वाले शेडोज खत्म हो जाते हैं। अगर आपने इनकी लाइट्स की टोन को आपने चेंज करना है तो आप पेपर यूज कर सकते हैं, बटर पेपर यूज कर सकते हैं या आप कोई कलर पेपर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा पेपर यूज करना होगा। अगर आप थोड़ा कम लेवल का यूज करेंगे पेपर तो वो आपकी लाइट की टोन को काफी खराब कर देगा। इस टाइम मेरे हाथ में रेड पेपर है, ये रेड पेपर आपके जो लाइट है उसको रेडिश सा एक लुक दे सकता है, और एक ये ग्रीन पेपर है, इस ग्रीन को हम लोग थोड़ा सा पीछे ही करके यूज करते हैं क्योंकि अगर आपने बाद में कलर ग्रेडिंग करनी है तो वो ग्रीनिश सी आपकी लाइट आएगी, पहले ही आपको ग्रीनिश सी लुक दे रही होगी, उसकी वजह से आप जब कलर ग्रेड करेंगे आप उसका थोड़ा सा टोन चेंज करेंगे तो वो आपकी पूरी वीडियो को ग्रीन कर देगा, तो ग्रीन लाइट आपको थोड़ी सी पीछे करके यूज करनी होगी। मैं आपको बताता चलूं केल्विन के बारे में, केल्विन 3000 से लेके 9000 तक होता है। 3000 वाली जो आपकी, अगर आप 3000 पे अपना केल्विन लेके जाएंगे तो वो पूरा ब्लू कर देगा आपको, और जो 9000 वाली है वो आपको पूरा ऑरेंज कर देगा। अगर आपने इसके बीच में रहना है, एक नॉर्मल आपने करनी है, तो 5200 आपकी होती है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मैं अगले शो में दोबारा आऊंगा। खुदा हाफिज़।